ये सन 1992 में जब मुलायम सिंह राम भक्तों को बंद कर रहे थे तो हम खैर इंटर कॉलेज में 21 दिन जेल में बंद रहे। हाँ, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार मोदनवाल। तो उसमें ऐसा हुआ कि हम संघ से हैं। आप संघ से हैं? देखिए, अच्छा, गोलवालकर की फोटो है। हाँ। उनकी भी फोटो है, हेडगेवार जी की। हाँ, तो अटल जी की फोटो लगाए हुए हैं। तो जब हमको कप्तान साहब ने किसी ने बता दिया जाकर के वहाँ पर कि वो संघ के हैं और वो तमाम कार्य करते रहते हैं, तो हमारी गिरफ्तारी हुई। अच्छा। और 21 दिन हम जेल खैर इंटर कॉलेज में रहे। अच्छा। और इसके जवाब में जब कल्याण सिंह के राज में ढांचा गिरा, यहाँ रखो जी, यहाँ रखो, यहाँ ढांचा गिरा। हाँ। तो उसमें भग गए एक महीने के लिए। अच्छा। और हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। हाँ। महादेव जी जो रघुवीर प्रसाद के हैं, जयसवाल। हाँ। हाँ। वो जो है महादेव जी। हाँ। वह सिंह के हैं, उन्होंने किसी दिन ताकने झाकने नहीं आया कि उनके परिवार जिन खा रहे हैं कि पी रहे हैं, पारा छोड़ दीजिए। और वहाँ से जब निकले तो कुछ लोग यहाँ घृणा की निगाह से देख रहे थे। वहाँ से आप निकले तो? जब निकले से वहाँ से आए, जेल से निकल के आप आए तो यहाँ? हाँ, जब जेल से जब झागा टूटा और जेल से निकले तो कुछ लोग घृणा की निगाह से देख रहे थे। अच्छा। ये तो संघी आदमी है और मस्जिद गिराने गया था, इसके वहाँ तो पानी नहीं पीने लायक है। अच्छा। तो बड़ी गलान हुई अपने आप में, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारा। हमने कहा हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। तो गलानी हुई अंदर। हाँ। इसके बाद में हम ये जो है राम कटोरी ऐसे मैदा साना और बनाया, और शाम के वक्त जब मगरिब का समय, जब नमाज पढ़ के लोग मोहम्मदन आए तो 4-5 लोग आए हमारे, हम चाय पकौड़ी मिठाई का बविता करते थे पहले। ये आपके काम, ये सब दुकान पर कब से रहे? ये सर 1900, अरे बहुत दिनों से है ये दुकान, तो बहुत पहले से है। हाँ। लेकिन मिठाई का ईजाद 1992 में हुआ, जब गिरफ्तारी से आया। हाँ, आए तो जब हम इस मिठाई को बनाए और बना कर रखे तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये क्या बना है, विरोधी बड़ा अच्छा लगता है, जरा लाओ 4 पीस खाए। तो कौन बोला ये? मोहम्मदन लोग थे। अच्छा, कुछ अच्छे। हाँ, हाँ, तो बेचारे बड़े प्रहेदी थे। हाँ। और कहे लाइए विरोधी खाया जाए, देखिए क्या मिठाई बनाया है। राम कटोरी बनाए हैं, बहू मिठाई बनाए हैं, देखिए कैसा लगता है। तो 4 पीस दिए। हाँ। 4 पीस, फिर 4 पीस मांगे। हाँ। यार बड़ा गजब का मिठाई है, और वास्तव में तब पहले बढ़िया बनता था, अब उस क्वालिटी कम हो गया है। काहे? कुछ माल पैसा ऐसा मिलता नहीं, इसमें कुछ मार्जिन नहीं है, हमको 1 रुपया नहीं मिलता है। तो जो हमारे पत्रकार महोदय हैं, मीडिया वाले हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि विनोद जी पहले काला नमक था, अब राम कटोरी हो गया है। हाँ। उसी के नाम से ये चल रहा है, रविंद्र जैन भी आए, इसका प्रशंसा किए, गाना वगैरह गाए। हाँ। हैं, और तमाम लोग आए, अभी हाल ही में मोदी जी आए थे मेडिकल कॉलेज का ओपनिंग करने। हाँ, तो हमारा राम कटोरी और हमारा फोटो वगैरह सब लगा था, ब्रम से लिखा हुआ था। तो उसको वहाँ खड़े होकर 2 मिनट उसको देखे। हाँ। खाए नहीं, लेकिन 2 मिनट क्योंकि देखे, मिठाई नहीं खाए मोदी। हाँ, तो देखे, इसके बाद में वहाँ से निकले। तो इस तरीके से इसका राम कटोरी नाम कैसे पड़ा? राम कटोरी नाम वही जो लोग आए थे। हाँ। खाए तो हमने कहा भाई विनोद जी कौन सी मिठाई बनाए, कोई राम कटोरी बनाए है यार, मिठाई बढ़िया है, इसका नाम क्या है? हाँ। बस हमारे मुँह से निकल गया राम कटोरी। राम कटोरी? हाँ, निकल गया। अच्छा। बस वो भी कह दिए राम कटोरी। हाँ। जब वो कह दिए राम कटोरी तो हमने कहा भी चलेगा हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ मुसलमान ऐसे रहते हैं जो अहले हदीस के हैं, मतलब अहले हदीस सुन्नी मजहब के नहीं, वो फालतू बात नहीं करते हैं, वो अपने काम से काम, मतलब से 5 वक्त सलावत पढ़ना, अजान देना, यही सब काम उनका रहता है, जजाए बारा फातवा सुबरात हुआ, इससे कोई तवज्जो नहीं वो देते हैं। तो मैंने हमारे यहाँ इसका चला, और कुछ लोग जो सऊदी कतर में रहते हैं, बाहर रहते हैं, जब जाते हैं तो 4 किलो 5 किलो 6 किलो लेते जाते हैं। अच्छा। और यहाँ कैसे बनाते हैं आप राम कटोरी? इस पहले मैदा को तौल लिया जाता है। तौल लेते हैं मैदे को? तौलने के बाद में इसमें घी डाला जाता है, डालडा। अच्छा। और डालडा डालने के बाद में पानी से गुथा जाता है, जैसे गुथा करेगी। अच्छा, हाँ, गोथी गुथाने के बाद में ऐसे बना करके, ऐसे तो काफ़ी लोग बनाते हैं, हम मैंने तो अपने वर्कर में सीख गए हैं, तो काफ़ी लोग बनाते हैं। अच्छा। ऐसे बनाया और फिर इसको मैं तेल में तला। तेल में? हाँ, मैं तेल मतलब रिफाइंड फॉर्च्यून में छान दिया। फॉर्च्यून में छाना और फिर चाशनी में डाला।
चाशनी में से निकाल करके खोआ जो भूजा रहता है इसमें हल्का सा भरा जाता है, माने पूर्ण रूप से भरा जाता है। अभी जब ये तैयार वाली है? हाँ ये तैयार है। अच्छा मतलब ये है इधर ये खोला बना के इसको छान लिए हाँ, उसके ऊपर खोआ भर दिए हाँ, ठंडा हो जाता है, हाथ सहने लायक रहता है हाँ, तो उसमें खोआ जो ठंडा रहता है हाँ, इसमें भरा जाता है। अगर गर्म भर दिया जाएगा तो बहुत हार्ड हो जाएगा, इसलिए उसकी जो मसाला है उसको ठंडा करके भरा जाता है। अच्छा हाँ, ये ऊपर सफेद सफेद क्या लगाए हैं? वो नक्शा के लगा दिया गया गरी का, गरी का अच्छा हाँ, सो के नाते देखने में अच्छा लगे, चबदे कम पकड़े कम, इसलिए। अच्छा ये बता ये कैसे किलो बिकता है? ये बहुत कम दाम में बिकता है, ये दुख की बात है। क्या? मात्र 200 रुपए में, उसमें भी लोग काट लेते हैं पैसा। काहे काहे काटने देते हैं, मेहनत से बना रहे हैं आप। ऐसा है, अब आप इतना जो बने, मैं बता दे इसकी तैयार करके रखे हैं ना, इसकी मेहनत तो कोई दे नहीं सकता है। अच्छा हाँ, क्योंकि हमारे एक अधिकारी से बात हुआ था कि इसका पॉपुलर कर दिया काफी लोगों ने, तो अधिकारी लोग समझते भाई बहुत मिठाई बिक्री होता है वहाँ, तो जाना चाहिए उनसे, छापा बनाना चाहिए, इनकम टैक्स लगाना चाहिए, तमाम प्रकार से। हम कहें सर देख लीजिए समस्या ऐसा है, और इस राम की टोली पर ज़्यादा प्रस्ताव आप डालेंगे तो हम इसको बंद कर देंगे, और इसका पाप आपको पड़ेगा। आपने बोला अधिकारी से? हमने कहा इसका पाप आपको पड़ेगा, क्योंकि 1000 मंत्र का जाप होता है, और 1000-2000 का मंत्र हम ही नहीं हमारे मुस्लिम भाई करते हैं, और वह पाप आपके ऊपर गहरा जाएगा, इसलिए हमको इसको बनाना। कैसा मंत्र का जाप मतलब? जैसे कि कोई आया कहा भी बिरू जी राम कुटुरी दीजिए, एक मंत्र हो गया, कोई कहा राम का नाम ले लिया, राम ले लिया, कोई कहा एक राम कुटुरी दीजिए, 4 नहीं आए, 10 नहीं आए, 5 नहीं आए, ऐसे आते आते हैं तो दिन भर में 100-200 आदमी आते हैं, 1000-500 आदमी आते हैं, तो जितने आते हैं सब राम कहते हैं, चाहे वो बौद्धिस्ट धर्म का हो, चाहे जैन धर्म का हो, चाहे सिख धर्म का हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सोनी हो, चाहे लेडीज हो। बनाता कौन है यहाँ पर? आप ही बनाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं आप बैठ के कटोरी बनाए जा रहे हैं। स्टार्ट तो मैं किया हूँ 1992 में, ठीक है, तो सारे लोगों ने विरोधाभास किया, अब धीरे 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 आप पूरे जिले सिद्धार्थ नगर के जिले में हर कोने कोने में पाएंगे आप राम कटोरी, हाँ कोने कोने में पाएंगे। और जैसे बात रहा सवाल और स्वाद की, तो जो स्वाद हम देंगे वह स्वाद संभवतः कहीं ना पावे, अभी आपको हम खिलाएंगे, यानी खाएंगे, पक्का खाएंगे, खाएंगे आप जब खाएंगे तो उसका टेस्ट रखे रहिएगा दिमाग में, और इस समय थोड़ा सा कम लगेगा, ठंडी के मौसम में कुछ डालडा वगैरह जम जाता है तो मुँह में पकड़ता है। अच्छा, अब गर्म जब रहता है तो नहीं पकड़, अगर गर्म बना होगा तो मैं खिलवा दूंगा, कुछ गर्म बना है, कुछ छना हुआ है, उसमें 4-5 पीस भर के ले आऊँ, हाँ लच्छा लगा के ले आऊँ। अच्छा, तो उससे जब गर्म खाएंगे तो कम पकड़ेगा। अच्छा ये बताइए, हाँ गर्म तो बता रहे हैं आप, अभी डालडा वालडा इतना सब तेल वेल लोग बता रहे हैं बड़ा महंगा महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया है, महंगाई के बारे में तो बोलिए मत, और महंगाई के बारे में बोलना भी नहीं है, महंगाई कोई कम भी नहीं कर सकता है, कोई भी सरकार आ जाए चाहे वो बसपा आ जाए सपा, वैसे केंद्र में तो कोई सरकार है ही नहीं मोदी की राय। अच्छा आप बता रहे थे कि ये जो जब मोदी जी शिलान्यास किए थे राम मंदिर का, जी जी, तब आप बंद करने वाले थे राम कटोरी, ऐसा है भावना बन गई थी यार, जो हमारा लक्ष्य था वो पूरा हो गया, मंदिर बन गया, मंदिर बन रहा है, चलो हटाओ, तो कुछ लोगों ने कहा विरोधी परेशानी क्या है, अच्छा थोड़ा सा कम ही, 4 मिठाई बेच रहे हैं, एक मिठाई में नहीं मिलेगा, तो हमने भी कहा चलो दिन भर बैठे रहते हैं, वर्कर रहते ही है, बनता रहेगा, बेचते रहेंगे, तो इस प्रचार प्रसार के मारे भगवान का नाम जाप मंत्र करने के नाते इसको बनाता। अच्छा, हाँ बैठे रहते बनता है, देखो जाप होता ही, जैसे आप आए कितने मरता एक ऐसे, अभी आप थोड़ा सा ना ऐसे खुजली कर रहे थे, फिर उसी से बनाने लगे, हमको लगा थोड़ा सा बोलने का, नहीं नहीं ऐसा हो खुजली नहीं कर रहे थे, दाढ़ी कुछ बड़ा हो गया ना, तो अब रहा सवाल ये कि हमारे यहाँ बहुत साफ सुथरा बनता है, ऐसी कोई बात नहीं है, और रहा सवाल सारे लोग खाते हैं इसको, हाँ अभी लड़के के शादी था उसमें हम लगाए थे, लड़के की शादी, हाँ हाँ उसमें लगाए थे, हाँ लोग बता रहे हैं कि आसपास शादी होता है तो राम कटोरी जरूर लग जाता है, लग जाता है, तो काफी लोग लाइव करते हैं। कितना किलो निकलता है रोज? अब देखिए अभी नंदन है बेचारे आए हैं राम कटोरी लेने ही आए हैं, अरे भाई कोई भी कुछ भी खा सकता है, मतलब मेरा सवाल ये है कि
कितना लोग कितना किलो बिकता है रोज आपका? नहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बिकता है, मतलब क्योंकि किसान बाहुल क्षेत्र है, जैसी मांग होती है वैसा बिक जाता है। हाँ पीस में भी बिकता है 15 रुपया पीस, और किलो 200 रुपया किलो बिकता है। अच्छा हाँ, और कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई इसमें बड़ा भावना है, बस ये भावना यही है था कि जगह था भावना, वो भावना पूरा हो गया। और ये सारा श्रेय सारा योगदान सारा जो श्रेय जाता है ये हमारे मुस्लिम भाई का जाता है। अच्छा हाँ, उन लोग की वजह से फेमस हुआ। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे मतलब मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है क्या? बिल्कुल सही, कायदे का आप पूछ लीजिए। कैसी होगी, क्या नाम है? मेरा नाम सुहेल है। सुहेल जी, पता है क्या जनसंख्या होगी यहाँ पे? मैं शॉप करता हूँ, कपड़े की दुकान है अपनी। आगे मैं इनसे 2-3 बार ले जा चुका हूँ शादी में, मैं इनको ऑर्डर करता हूँ, ये बना के हमें देते हैं। नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ, वो तो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ जनसंख्या के बारे में, मेरा सवाल था कि क्या कितनी जनसंख्या है? 70-30 होगा। 70-30 मतलब 70 मुस्लिम 30 हिंदू, ऐसे ही जनसंख्या है इस इलाके में? जी जी ऐसे। क्या नाम है जगह का? बैठपुर पलटा देवी मार्ग। बैठपुर पलटा देवी मार्ग, पलटा देवी मार्ग मार्ग। नेपाल बॉर्डर कितना दूर यहाँ से? यहाँ से 7-8 किलोमीटर है। 7-8 किलोमीटर आएगा, 10 किलोमीटर आ जाएगा। बिकता है नेपाल में तो और भी जाता है। नेपाल भी जाता है और क्या? मैंने आप यही जान जाइए, बाबू से पूछ लीजिए, विश्व के कोई कोना नहीं होगा जहाँ गया ना हो। अच्छा। संघ का कोई कार्यक्रम जैसे ITC OTC लगा तो वहाँ मांग करते हैं इसको। वहाँ वो लोग बोलते हैं कि वहाँ से आप आते हो, जैसे व्यापारी जहाँ से हम माल परचेज करते हैं वो लोग बताते हैं कि वहाँ से आप आ रहे हैं तो ये चीज लेकर आइए मेरे लिए। अच्छा हाँ, डिमांड मतलब उन लोग। हाँ ये चलिए यार, रामकटोरी खाया जाए, हाँ रामकटोरी बढ़ाया जाए थोड़ा सा देख के कि और आयुष जी का एक्सपर्ट कमेंट जो आता है। बताइए भाई आप। हाँ हाँ एकदम एकदम, हाँ आयुष लीजिए लीजिए यार, अमितेश कैमरा संभालिए, आप तो बढ़ा चुके हैं पहले। नहीं नहीं हमने नहीं खाया। नहीं खाइए, सभी लोग खाइए, दूर से आए हैं। लीजिए आप लीजिए। क्या ये एक बार में पूरा खाना होता है? आराम आराम से ना प्लेट उठा लेते हैं। हाँ गर्म है ना? गुजिया अगर लोगों ने खाया है, गुजिया हाँ, तो उसका शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, इसकी जो थिकनेस है ना उसके कारण थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन वही है मावा भरा उसके अंदर है ना, उसी फैमिली की मिठाई कैसे? हाँ हाँ हाँ। और गोपालगंज में मिठाई मिलती है पिड़किया। हाँ देखिए गुजिया बना के दिखा रहा हूँ। हाँ आइए सर। हाँ आइए सर, मैं गुजिया बना के बना रहे हैं। हाँ देख लो देख लो, बढ़िया गुजिया बना लिया। इधर देखिए, ये मैंने इसको गोला बनाया और इधर देखो चुना इस तरीके से, इसमें खोवा भरा हुआ है, मान लीजिए कल्पना कीजिए वैसे कुछ नहीं भरा हुआ है, इसको भी तल देंगे। ये गुजिया देखो तैयार, आपने इनको दिखाइए, देखिए गुजिया तैयार। वही मैं बता रहा था कि शेप का अंतर है और थोड़ा सा एक मिठाई होती है जैसे चंद्रकला। हाँ चंद्रकला तो आपके बनारस वगैरह में ज्यादा। हाँ बनारस है ना। हाँ तो वहाँ पे बड़ा आपकी मिठाई बनारस में काफी ज्यादा है। मैंने बता तो रहा हूँ बनारस हो रहा है। बनारस के एक पत्रकार आए थे जो जो चलाते हैं, नेट चलाते नहीं है और फेसबुक चलाते चलाते क्या बोलते गूगल वगैरह चलाते नहीं है, उस पर है नेट पे है ये जब गायत्री स्वीट हाउस डालेंगे तो नेट पे दिखाई देगा। हाँ एक चीज समझ में आ रहा है, शादियों में एक मिठाई मिलती है बालूशाही। हाँ वही है, वही थोड़ा सा उस तरह से मान लीजिए, उसके अंदर खोवा भरा हुआ है। नहीं इसमें बोल रहे हैं बाबू बालूशाही घरा कटोरा कर लिए, उसमें खोज को छान लिए, चाशनी में डुबा लिए। लॉन्ग लता बोलते हैं बनारस में भी बोलता है, लॉन्ग लता में भी थोड़ा खोया डालते हैं लेकिन ये थोड़ा ज्यादा क्रिस्प, मतलब गजबी सिद्धांत है ना उसमें। लॉन्ग लता में ये है कि आपको लॉन्ग लता में एक बनाते हैं गोल, उसका पूड़ी बनाते हैं, खोआ भरेंगे, फ्लैट करेंगे और मोड़ के उसको लॉन्ग से सील कर देते हैं, लॉन्ग से कोच के लॉन्ग से सील कर देते हैं, खुल जाए मतलब छानते हैं उसको। पूरी बनती है, पूरी के अंदर वो खोया डालते हैं, फिर उसको थ्री फोल्ड करते हैं,
थ्री फोल्ड करने के बाद इधर से और इधर से बंद करके ऊपर से लॉन्ग लगा देते हैं और फिर उसको बेसिकली पूड़ी बनाते हैं, मैदे का होता है या पता नहीं किसका बनता है। उसके बाद उस पूड़ी में खोया भरते हैं, ये जो खोया है इसमें वो उसमें भरते हैं, फिर उसको एक फोल्ड लगाया, दूसरा फोल्ड लगाया, इधर से बंद किया, इधर से बंद किया और ऊपर से एक लॉन्ग लॉन्ग के कील मार दिए। हाँ, कील मार दिए ताकि वो खुले नहीं। तो इधर अब भाई दिखा दीजिए दुकान वो यहाँ पे आ सकते हैं। सॉरी थोड़ा हल्ला वल्ला हो रहा है, काफी हल्ला हो रहा है, आयुष जी इसी वजह से चिंतित दिखाई दे रहे हैं। विनोद जी की दुकान है गायत्री स्वीट हाउस, पलटा देवी रोड, बड़पुर, सिद्धार्थ नगर। बड़पुर क्या नाम है, क्यों नाम पड़ता जगह का? बड़पुर यही है, बड़पुर यही है। बड़पुर नाम कैसा है, बड़ा अजीब सा नाम है। अंग्रेज रहते थे यही, कोठी है, बिल्डिंग है। अच्छा, बड़पुर, बर्ड साहब नाम था उसका। अच्छा, बर्ड साहब नाम था उनका, नाम पड़ा उन्हीं के नाम पे बड़पुर पड़ा। पहले इसका नाम था मटहना चौराहा, मटहना चौराहा, फिर बड़पुर हो गया, फिर बड़पुर। तो गायत्री स्वीट हाउस है जहाँ से ये राम कटोरी जन्मी है। खाने में चौचक आइटम है, बढ़ाया जा सकता है। और आप लोग इस तरह का फूड ब्लॉग वगैरह देखना चाहते हैं तो हमको बताइए आप लोग के शहर में मिलता क्या है। आयुष जी जाएंगे वहाँ पे, बोले हैं कि हम सर पैदल दौड़ सकते हैं खाने के लिए। आप ललन टॉप देख रहे हैं।